नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से आ चुकी है साल 2024 की एक और नई बम्पर वैकेंसी। नोटिफिकेशन दोस्तों आपके सामने है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो RRB की तरफ से NTPC की वैकेंसी आउट कर दी गई है, जो कि साल 2024 की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 05/2024 और 06/2024। यानी कि जो वैकेंसी है, एक तो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है और एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी है, यानी कि NTPC की भर्ती है। दोस्तों, इसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी के दोनों की अप्लाई करने की जो डेट है अलग अलग है, मतलब कि दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग है और दोनों की अप्लाई करने की जो डेट है वो अलग अलग है। इन वैकेंसी के लिए आपको बता दें पहले कि यहां पर कम से कम 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहां पर ग्रेजुएट लेवल के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या BTech किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास है तो आप जो है NTPC की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके आवेदन जो है, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएट पास के लिए, तो यहां पर 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलेंगे, ठीक है। वही दोस्तों, यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है अगर आप अंडर ग्रेजुएट पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जो है आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डेट दे रखी है। तो पूरी भर्ती की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फाइनली वैकेंसी यहां पर आउट हो चुकी है, 11,558 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है। तो बड़ी भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी भर्ती की जानकारी हम आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। अगर आप रेलवे की नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा और पास में आपको घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको जरूर दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो यहां पर आकर के दोस्तों आप नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आपको भर्तियों की जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है rozgarwithnaveen.com। दोस्तों, यहां पर आकर के आप भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है सेकेंड नंबर की tipsvirlbuzz.xyz, यहां पर भी विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि RRB NTPC की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2024 की, ठीक है। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से निकाली गई है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, यहां पर NTPC की भर्ती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती है। अब यहां पर इस वैकेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट पास की वैकेंसी है और सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। बात करते हैं सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट पास के लिए, जो कि सिर्फ 12th पास की वैकेंसी है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट पास की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है, तो सबसे पहले टिकट क्लर्क TC की भर्ती है और कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं केवल क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, टोटल सारी वैकेंसी जो है क्लर्क की है। तो ये तो बात होगी अंडर ग्रेजुएट पास की वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट पास की वैकेंसी के बारे में, तो यहां पर जो सेकंड नंबर की वैकेंसी है इसके लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, टिकट कलेक्टर की वैकेंसी है, कमर्शियल क्लर्क की है, स्टेशन मास्टर की है, ट्रैफिक असिस्टेंट की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, गुड गार्ड्स की है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है कम टाइपिस्ट की है, ठीक है।
तो यहां पर दोस्तों 11,558 पोस्ट पर बंपर वैकेंसी निकाली जा रही है जो कि एनटीपीसी की भर्ती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहां पर अप्लाई डेट आपके सामने मेंशन है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है 13 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, और अंडर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर दो डेट यहां पर लास्ट डेट है, दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग डेट है। ठीक है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका सीबीडी बेस एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, मतलब कि दो स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। अगर आप यहां पर पास होते हैं तो मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर अब बात करते हैं सीबीडी वन के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो यहां पर आपका जो पैटर्न है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं एनटीपीसी का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। ठीक है, आपको 1.5 घंटे का यहां पर समय मिलेगा और 1/3 की यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। यहां पर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके से आपके यहां पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं सवाल 100 है, 100 नंबर के और 1.5 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर स्टेज टू का आपका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार है वो जरा आप यहां पर देख लीजिए ताकि आप इसकी तैयारी कर सके। तो यहां पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पर 20 सवाल बढ़ा दिए गए हैं, 120 सवाल है 120 नंबर के और यहां पर टाइमिंग जो है एज इट इज है, 1.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका अलग से स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इन पोस्ट के लिए, जो है जूनियर अकाउंटेंट की है और यहां पर सीनियर क्लर्क कम टाइप की है, टाइम कीपर की वैकेंसी है और यहां पर ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए आपका सीबेट का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, उम्र सीमा क्या है, कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 36 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें में छूट भी है, अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, और ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहां पर 3 साल की छूट मिल जाएगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इस प्रकार आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब बात की जाए सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, एससी एसटी के लिए 250 रुपए फीस है, आप सभी को पेमेंट जो है ऑनलाइन करना होगा। इन भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर 12वीं पास, अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा वो सारी जानकारी यहां पर दे रखी है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, जिससे आपको वेरीफाइड करना है, और आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। रेलवे ने अनाउंस कर दिया है, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है जिन कैंडिडेट्स का आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा उनका फॉर्म यहां पर भरा नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने आधार का वेरीफाई कराइए, वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर आप जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीआर करेंगे, तब उस वक्त आपको यहां पर आधार वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपका मोबाइल ईमेल आईडी जो है आपके आधार से लिंक है तो आपका इजी वे में काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको यहां पर सुधार करवाना होगा, करेक्शन करवाना होगा। तो इस प्रकार आपको यहां पर अप्लाई भी करना है, आपके जो भी सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट की, जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट रखना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो तैयार रखने हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर सीधा लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक कर सकते हैं और रेलवे की किसी भी वेबसाइट पर आकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों रेलवे की इन वैकेंसी के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्लाई पर क्लिक करना है, अकाउंट क्रिएट करना होगा, यहां पर आपको ओके करना है। अगर आप रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है जिसमें आपका पूरा नाम फिर से रिपीट करना है, उसके बाद आपको यहां पर जो है अगर आपने नाम में बदलाव किया है तो येस, अदरवाइज आप यहां पर नो कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिपीट करनी है, उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, रिपीट करना है, पिताजी का नाम डालना है, फिर से रिपीट करना है, माताजी का नाम डालना है, फिर से रिपीट करना है, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, उसको वेरीफाइड करना है, और यहां पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाइड करना है, आपको आपका जो पासवर्ड है खुद को क्रिएट करना है, कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर
प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पर लॉग इन करके। तो यहां पर जो आपने आईडी पासवर्ड डाला है वही आपको यहां पर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉग इन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है वन बाय वन करके। अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे इसके आवेदन शुरू होंगे ऑनलाइन, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आप चाहें तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।